आज के आपको ये बताने चाह रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F55 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल में मैसेज सेंड नहीं हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल का ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप का वाला ऑप्शन टैप करना है, इसमें सर्कल के अंदर आई बटन बना हुआ है, इसे टैप करना है। आपका ऐप इन्फो का पेज आता है, इसमें आपको नीचे स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच का ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको जो है सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन दिखाई देगा, इसे टैप करना है। अब आपको यहाँ पर ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पर टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री डेटा रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको ये फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट बाद फोन को रिसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीका आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।